नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 जून, दिन मंगलवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तैयार हुआ विपक्षी एकता का शेड्यूल, इन नेताओं का होगा खास संबोधन। शाहनवाज हुसैन ने कहा, विपक्षी एकता के नेताओं को लिट्टी चोखा के अलावे कुछ नहीं होगा हासिल। राजद विधायक और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को अपने ही घर में मिला झटका, इस वजह से नीतीश का तमिलनाडु दौरा हुआ रद्द। आखिर क्यों विपक्षी एकता की बैठक से ठीक एक दिन पहले पटना पहुंच रही बंगाल की सीएम ममता। अब चलिए बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। शाहनवाज हुसैन ने कहा, विपक्षी एकता के नेताओं को लिट्टी चोखा के अलावे कुछ नहीं होगा हासिल। विपक्षी दलों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल कुछ भी कर ले, बिहार में उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। विपक्षी एकता के लिए आने वाले नेताओं को बिहार में सिर्फ लिट्टी चोखा मिलेगा, वोट नहीं मिलने वाला। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल कई साल से बिहार नहीं आए। ममता बनर्जी भी बिहार नहीं आती हैं। वो आए उनका स्वागत है, लेकिन उन्हें बिहार में लिट्टी चोखा के अलावे कुछ मिलने वाला नहीं है। आगे उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम नीतीश अन्य राज्यों में घूम घूम कर अनेक प्रकार के व्यंजन खा रहे हैं। बिहार आने वाले नेताओं को भी उन्हें खिलाना पड़ेगा। यहाँ आने वाले नेता बढ़िया लंच डिनर करेंगे, अच्छे सपने दिखेंगे, लेकिन उनके यह सपने अधूरे ही रहने वाले हैं। आगे उन्होंने मांझी की चर्चा करते हुए कहा कि सीएम नीतीश विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की नाव से मांझी ही कूद गए हैं। जदयू सांसद के बेटे को 1600 करोड़ रुपए का एम्बुलेंस ठेका देने पर बीजेपी नेता ने की जाँच की मांग। कथित रूप से 1600 करोड़ रुपए के एम्बुलेंस ठेका को बिहार के जहानाबाद जिले से जदयू सांसद चंदेश्वर प्रसाद के बेटे की कंपनी को देने पर बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर होती नजर आ रही है। बीजेपी से रविशंकर प्रसाद ने इस मामले को लेकर जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि 102 एम्बुलेंस सेवा गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और गंभीर रोगियों के लिए है, इसलिए सरकार इसकी गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकती है। उन्होंने बताया कि आपात एम्बुलेंस चलाने के लिए ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया गया है, जिसके बारे में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश में बौड़ा गए हैं नीतीश। बीजेपी के विरुद्ध लोकसभा चुनाव से पहले चल रहे विपक्षी एकजुटता को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने तंज कसा है। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर ट्वीट के जरिए कहा है कि राजनीति में विश्वसनीयता के सबसे बड़े शत्रु नीतीश कुमार जनता से बुरी तरह परास्त हुए और अब थके हुए दलों की बैठक की आहूत कर रहे हैं। इस बैठक का केवल एक उद्देश्य पीएम मोदी को हराना है। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी की कृपा से राष्ट्रीय नेता बने। 2014 के लोकसभा चुनावों में उनकी हैसियत पूरे देश ने देखी। फिर जब उन्होंने माफी मांगकर बीजेपी से रिश्ता जोड़ा तो 2019 लोकसभा चुनावों में उन्हें बम्पर जीत मिली। विधानसभा चुनावों में जदयू को मात्र 43 सीटें मिली, फिर भी बीजेपी ने अपना वादा निभाया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन नीतीश प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश में बौड़ा गए, वहीं अब बैठक के नाम पर अपने ही साथियों को ठगने की योजना बना रहे हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को आम लीची नहीं भेजने पर सुशील मोदी ने सीएम नीतीश पर किया तीखा प्रहार। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी से नीतीश कुमार के ईर्ष्या इस स्तर पर उतर आई है कि उन्होंने बिहार के जरदालू आम और शाही लीची की मिठास में भी राजनीतिक कटुता घोलते हुए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित विशिष्ट व्यक्तियों को फल भेजने की परंपरा तोड़ दी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय नेताओं को आम लीची भेजने की परंपरा एनडीए सरकार ने 2007 में शुरू की थी। इससे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बिहार के आम लीची की ब्रांडिंग हुई और किसानों को लाभ हुआ। राजद विधायक और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को अपने ही घर में मिला झटका। राजद से विधायक और बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को अपने ही घर में बड़ा झटका मिलने वाला है। दरअसल उनके बड़े भाई और एक रिटायर्ड प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद यादव 24 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने बीजेपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बता दें कि चंद्रशेखर के भाई प्रोफेसर रामचंद्र अभी हाल में ही डीयू के सत्यवती कॉलेज से रिटायर्ड हुए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद वे अपना राजनीतिक करियर बीजेपी के साथ शुरू करने वाले हैं, जबकि उनके भाई और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर राजद पार्टी से विधायक हैं। समान नागरिक संहिता पर हो रहे घमासान को राजनाथ सिंह ने बताया विवाद बेवजह। समान नागरिक संहिता पर हो रहे विवाद को लेकर राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कहा कि इस पर हो रहा विवाद बेवजह है। आगे उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता हमारे देश के संविधान का हिस्सा है, इस पर विवाद क्यों? गोवा में यह पहले से ही लागू है। मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को, जिन्होंने इस दिशा में पहल की है। अब विधि आयोग इस बारे में पूरे देश में राय ले रहा है। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति अब राम भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती, अब देश की प्रगति हमें पुरुषार्थ से खुद करनी होगी। 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है। हम मजबूत डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। अब यहाँ धर्म और जात के आधार पर काम नहीं होता, ये स्वर्णिम भारत है।
शाहनवाज हुसैन ने मुस्लिम आबादी को लेकर कह दी ये बात। बीजेपी से जाने माने नेता शाहनवाज हुसैन ने मुस्लिम आबादी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस देश और इसकी मुस्लिम आबादी को सबसे ज्यादा नुकसान सेक्युलर शब्द से हुआ है। उन्होंने बताया कि किसी और शब्द ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना सेक्युलर शब्द ने किया है। एक जनसभा को बिहार के करछना में संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इस शब्द का इस्तेमाल फेविकॉल की तरह किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि इसका इस्तेमाल कर विपक्ष अपने वोट बैंक को बांधे रखता है। वहीं ओवैसी को अपने निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए ओवैसी नहीं बल्कि एपीजे अब्दुल कलाम आदर्श हो सकते हैं। डेली 1,00,000 रुपए बांटने वाला बिहार का ये नेता चाप प्रमुख पप्पू यादव ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वह हर दिन कम से कम 1,00,000 रुपए बांट देते हैं। आगे उन्होंने बताया कि वे 1983 से निरंतर काम करते आ रहे हैं। बीते 40 सालों में उन्होंने कम से कम 280 करोड़ रुपए लोगों के बीच बांट दिए। दरअसल उन्होंने ये बातें चाप के कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताई। उन्होंने कहा कि मैं सियासत करने के लिए यह काम नहीं करता बल्कि भाई की भूमिका निभाते हुए सेवा करता हूं। उस वक्त यह भी नहीं सोचता कि उस शख्स से मुझे वोट मिलेगा या नहीं। मैं बिहार से प्रत लोगों की मदद करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। महागठबंधन के नाव से उतरने के बाद क्या एनडीए में शामिल होंगे मांझी? महागठबंधन के नाव से मांझी अब अलग हो चुके हैं। अलग होते ही कहीं न कहीं वे अपनी राजनीतिक दिशा को तय करने के लिए एनडीए की राह देख रहे हैं। इसी कड़ी में वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन अब तक शाह के पास समय की कमी की वजह से उनकी और मांझी की मुलाकात नहीं हो पाई है। अब तो यह समय ही बताएगा कि मांझी की शाह के साथ बैठक कैसी रही और क्या इस बैठक के बाद एनडीए में जाने के लिए मांझी तैयार रहेंगे। इस वजह से नीतीश का तमिलनाडु दौरा हुआ रद्द। बीते ही दिनों इस बात की चर्चा देखी जा रही थी कि विपक्षी एकता के बैठक के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को न्योता देने नीतीश तमिलनाडु जाने वाले हैं, लेकिन अब यह खबर सामने आई है कि नीतीश का यह दौरा रद्द हो गया है। अब केवल तेजस्वी ही इस दौरे को पूरा करेंगे, जहां तेजस्वी के साथ जदयू के सीनियर लीडर और मंत्री संजय झा भी उपस्थित रहेंगे। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार नीतीश का यह दौरा स्वास्थ्य कारणों की वजह से रद्द हुआ है। आखिर क्यों विपक्षी एकता की बैठक से ठीक एक दिन पहले पटना पहुंच रही बंगाल की सीएम ममता? 23 जून को विपक्षी एकता की चल रही इन तैयारियों के बीच अब इस बात की जानकारी सामने आई है कि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्षी एकता की बैठक से ठीक एक दिन पहले यानी 22 जून को ही पटना आने वाली हैं। दरअसल मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ममता बनर्जी 22 जून को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अलग से बैठक कर सकती हैं, जिसे लेकर पूरी योजना बनाई जा चुकी है। बैठक के ठीक एक दिन पहले नीतीश और लालू से ममता का मुलाकात करना किसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बता दें कि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों से ही यह मुलाकात अलग अलग होगी। मालूम हो कि लालू नीतीश और ममता तीनों का ही साथ में सियासी सफर काफी लंबा रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि तीनों के बीच के राजनीतिक संबंध काफी पुराने हैं, क्योंकि तीनों ही दिग्गज नेता केंद्र सरकार में साथ काम कर चुके हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कही ये बात। नई शिक्षा नीति को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि राज्य में अभी शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और कई तरह की दिक्कतें हैं, लिहाजा इन सभी को देखते हुए अभी वर्तमान में नई शिक्षा नीति को लागू करना संभव नहीं है। उन्होंने इस मामले को लेकर कहा कि 1968-1986 में शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति को लागू करने में क्या क्या आवश्यकता आई सबने बताया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति को जबरदस्ती लागू करना मैं उचित नहीं समझता। बिहार का नेतृत्व शिक्षा को लेकर चिंतित है, अभी कई तरह के अभाव है, ऐसे में नई शिक्षा नीति को लागू कराने में दिक्कत हो सकती है। तैयार हुआ विपक्षी एकता का शेड्यूल, इन नेताओं का होगा खास संबोधन। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में होने वाले विपक्षी एकता की बैठक को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। बता दें कि यह बैठक मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग में होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार यह बैठक पूरे 5 घंटे तक चलने वाली है, जिसकी शुरुआत दिन के 11 बजे से होकर 4 बजे तक चलेगी। इस बैठक में अब कौन किस मामले को लेकर बोलेगा इसकी भी पूरी सूची तैयार की जा चुकी है। इस बैठक की शुरुआत नीतीश कुमार के भाषण से की जानी है, जहां वे बताएंगे कि आखिर विपक्षी एकता क्यों जरूरी है, किस तरह से देश के संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, इसलिए किस तरह से विपक्षी दल एक दूसरे से मिलकर बीजेपी को हरा सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार के भाषण के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का भाषण होगा, जहां वे कांग्रेस के रोल पर चर्चा करेंगे। फिर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव का भी खास भाषण सुनने को मिलेगा। वहीं सबसे आखिरी में राहुल गांधी भाषण देंगे, जहां वे बताएंगे कि सभी पार्टियों की राय जानने के बाद कांग्रेस क्या कर सकती है। गीता प्रेस वाले मामले को लेकर जयराम रमेश ने बयान पर रवि किशन ने किया पलटवार।
अभी हाल में ही यह खबर सामने आई थी कि गीता प्रेस को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जाने वाला है। इसे लेकर विपक्षी दल सत्ताधारी सरकार पर जुबानी हमला करते नहीं थक रहे। इस फैसले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा था कि सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। बीजेपी नेता रवि किशन ने जयराम रमेश के इस बयान पर पलटवार करते हुए ट्विटर के जरिए कहा है कि कांग्रेस के लोगों की मानसिकता सिर्फ पाकिस्तान जैसी मानसिकता रखने वालों के वोट बैंक पर आधारित होती है। ऐसी मानसिकता के लोग सिर्फ तुष्टिकरण और इसी पर आधारित राजनीति करते हैं। मैं जयराम रमेश को बताना चाहता हूं कि गीता प्रेस एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से हम लोगों ने अपने घर में अपने बड़ों से संस्कार सीखे हैं। इसी गीता प्रेस की प्रशंसा महात्मा गांधी भी कर चुके हैं। उन्हीं के कहने पर आज तक गीता प्रेस ने किसी का विज्ञापन नहीं छापा। आप समाज में धार्मिक, सामाजिक और समाज को अच्छा संदेश देने वाली संस्था पर सवाल उठा रहे हैं जो आपकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। अजीत पवार ने तेलंगाना के सीएम केसीआर को लेकर कह दी यह बात। महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने मीडिया से बातचीत के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भले ही महाराष्ट्र में आधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह राज्य में अपनी पैठ बनाने में सफल नहीं होंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों मायावती और मुलायम सिंह यादव ने इसी तरह की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हुए। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर, धर्मवीर भक्त, बाबूलाल मरांडी, अनवर करीम खान। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार विपक्षी एकता की बैठक कितनी सफल हो पाएगी? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।